गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 में दी गई पाठ 12 संसार पुस्तक है पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को लिखा है बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, ये एक पत्र का एक भाग है। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी को वो पत्र लिखती थी, पत्र लिखते थे, और दोनों के बीच जो वार्तालाप होता था वो पत्र के माध्यम से ही होता था पहले के समय में, क्योंकि पहले तो फोन और ये सब नहीं हुआ करता था। इसमें एक पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो संसार है वो कैसा है, एक पुस्तक की भांति है। तो आइए हम लोग इस पाठ का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। ठीक, लिखा है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यहाँ लिख रहे हैं पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझसे क्या करती हो, बहुत सारे सवाल करती हो कि यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें कैसी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल अपने माता पिता से और अपने आस पड़ोस जो उनके बड़े हैं उनसे पूछते हैं। तो इसी प्रकार जो इंदिरा गांधी थी वो ढेर सारे सवाल पूछती थी, किससे? जवाहरलाल नेहरू से। तो वही जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो इंदिरा गांधी उनके पास अभी नहीं है, तो उनकी जो बातें हैं किससे, किसके माध्यम से हो रही है, पत्र के माध्यम से। तो वो लिखते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, इंदिरा गांधी कहाँ है, मसूरी में है, मसूरी एक जगह का नाम है, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो तो, और मैं इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू होते हैं बोलते हैं, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। किस तरह नहीं कर सकते? जैसे हम लोग आमने सामने करते हैं, हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उस सवालों को क्या करना है कि संतुष्टि करने के लिए उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब दोनों वो पास नहीं है तो वो प्रश्न नहीं पूछ पा रही हैं उनसे। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं स्वयं कि मैं अब तुम्हें छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हमारे भारत के अलावा बहुत बाहर बहुत सारे देश हैं, तो वो ही बोलते हैं दुनिया में जितने भी छोटे और बड़े देश हैं उसकी छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। हर देश की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और अलग अलग कहानी होती है, किसी देश में कोई घटना घटी होती है, कोई चीज़ें होती है, ये चीज़ हमें किसके माध्यम से पता चलता है, या तो हमें अपने बड़ों के माध्यम से पता चलता है, वह हमें बताते हैं कहानी के रूप में, कथा के रूप में, घटना के रूप में, या फिर हम लोग अपनी आसपास मौजूद किताबों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे इस देश में कौन सी घटना घटी थी, कब, क्या, कैसे हुआ। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, मैं अब अलग अलग देशों की छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँगा। ठीक, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। वो बोलते हैं इंग्लैंड और इतिहास का, भारत का जो इतिहास है तुमने कुछ पढ़ा है, हाल ही में भी कुछ इतिहास पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। वो बोलते हैं इंग्लैंड क्या है, एक छोटा सा टापू है, छोटी सी छोटा सा जगह है, छोटा सा स्थान, लेकिन उसके बराबरी में जो हमारा हिंदुस्तान है वो बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो क्या है, दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरे मैप में देखेंगे, वर्ल्ड के पूरे मैप में देखेंगे
तो भारत हमारा छोटा सा हिस्सा दिखेगा, लेकिन वो दुनिया का हिस्सा है, तो भले ही वो छोटा सा लेकिन दुनिया का हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, यानी पूरी दुनिया की वो बात कर रहे हैं, एक देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, कि अगर तुम्हें दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का हिस्सा नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, वो बोलते हैं कि जिसमें तुम पैदा हुई हो सिर्फ उसी देश का इतिहास या उसी देश की जानकारी मत रखो। अगर तुम्हें शौक है दुनिया का कुछ हाल जानने, पूरी दुनिया का हाल समाचार जानने का तुम्हें शौक है, तो तुम क्या करो कि सब देशों का और उसमें बसी सभी जातियों का बोलते हैं कि ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का हिस्सा नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बदला सकता हूँ। खत में हम लोग पूरी घटना या पूरी कहानी, पूरी किताब नहीं लिख सकते। पत्र में छोटी छोटी जानकारी या घटना के बारे में हम लोग बता सकते हैं या लिख सकते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें बदला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। वो बोलते हैं, उन्हें उम्मीद है, मतलब उन्हें आशा है, वो बोलते हैं कि थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी। थोड़ी सी बातें मैं लिख रहा हूँ लेकिन शौक से, मतलब खुशी से, एक्साइटमेंट होंगे, मतलब जानने की इच्छा रख कर तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी, उसको समझोगी भी तुम कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, आबाद मतलब रहते हैं, ठीक। आबाद मतलब क्या होता है बच्चों? आबाद मतलब रहना या बसना। आबाद यानी बसना रहना। आबाद है हमारे भाई बहन है। वो बोलते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, क्या है, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। अभी तो इंदिरा गांधी छोटी हैं और बहुत ढेर सारे वो प्रश्न पूछती हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, तो वही वो बोलते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसी आदमियों का हाल छोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, जो दुनिया के प्रसिद्ध आदमी हैं उनकी इतिहास हम लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी किताबों में पढ़ते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग लोगों के बारे में। उसमें उन्हें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना ही किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। वो उनके अंदर क्या करते हैं, इंदिरा गांधी के अंदर जिज्ञासा अभी से ही पैदा कर रहे हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अलग अलग देशों के लोगों के बारे में तुम्हें पढ़ने के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और उस दौरान तुम्हें कोई भी कहानी या उपन्यास जो बच्चे देखते हैं, कहानी जानवरों की, पक्षियों की, जो हमें छोटे बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़े होकर हमारे शौक भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे उपन्यास और कहानी जैसे किताबें। यह तो तुम जानती ही होगी कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी, हमारी जो पृथ्वी है वो लाखों और करोड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं इंदिरा गांधी को कि हमारी जो धरती है वो बहुत पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी, कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। अभी हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं उसके आधार पर पहले की चीज़ों के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे पास
बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से 100 साल पहले नहीं हुआ करती थी इस धरती पे। वही जवाहरलाल नेहरू बता रहे इंदिरा गांधी को कि आज से पहले आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पे कोई जानदार चीज़ नहीं थी, कोई भी सजीव नहीं था जिसमें कोई भी जान नहीं थी, जानवर से भी पहले, ठीक, यानी सुनसान थी ये पूरी धरती, सुनसान थी, कुछ नहीं था इस पे। वो बोलते हैं आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। वो बोलते हैं कि जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, अगर हम उनकी किताबों को पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें यह मालूम होगा कि ऐसा समय जो था। इस पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को अभी से ही उनके अंदर जिज्ञासा जगा रहे हैं पढ़ने का, अलग अलग देशों के बारे में जानने का, और यह बताते हैं कि इस धरती पे बहुत साल पहले जानवर हुआ करते थे, कोई मानव नहीं रहा करता था, लेकिन मानव जानवर से पहले भी क्या हुआ करती थी, कोई भी जानदार चीज़ नहीं हुआ करती इस धरती पे। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ करता था? पहाड़ों, मतलब पहाड़े, बहुत सारे ऐसे पहाड़े जहाँ पे कुछ संकेत मिलते हैं कि हमारी धरती बहुत पहले कैसी दिखती थी। पुराने जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, जो जानवर होते थे उनकी हड्डियों देखो जो मर चुके हैं, मिट्टी में खोदने, जो पुरातत्व विभाग कार्य करता है जगह जगह मिट्टी खोद के पुरानी पुरानी इतिहास के बारे में हमें बताता है, कहीं पे खुदाई हुई तो ये मूर्ति निकली, कहीं पे हड़प्पा की सभ्यता देख लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता देख लीजिए, यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे नगर पहले बसा था, यहाँ के लोग ऐसे पहनते थे, ओढ़ते थे, पहले के लोग क्या करते थे, जो पहनते ओढ़ते थे मरते थे तो एक मिट्टी में गड्ढा करके उसमें वो चीज़ को दफना देते थे। आज उन्हीं के माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि इस जगह पे ऐसे लोग हुआ करते थे और उनके कार्य और उनकी क्रियाकलाप कैसे हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? पुराने ज़माने में आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ था तो उसमें किताबें कौन लिखता था? उसमें लोग पढ़ना लिखना भी तो नहीं जानते थे, क्योंकि सबसे पहले मानव क्या था? आदि मानव था। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? प्रश्न करते हैं वो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें, यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। सही बात है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा, सोचना होगा, दिमाग चलाना होगा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर कल्पना करने की शक्ति होती तो हम लोग क्या करते हैं, कहानी ही गढ़ लेते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। उस ज़माने की बात हमें कैसे मालूम करने के लिए हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें, यह बड़े मज़े की बात होगी, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। उनका इस कहने का मतलब है कि हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा, खोजना होगा कि क्या चीज़ कैसे हुआ करती थी। ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे हम लोग कहानी गढ़ ले। आगे है, वह ठीक कैसे हो सकती, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं ना। कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रही है इतिहास के, कि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उतनी ही जानकारी वो देगी जितनी हमें किताबें दिया करती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है, तो मालूम हो सकता है जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने के लिए असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। उनका इतना सब कुछ लिखने और बताने का सिर्फ मतलब इतना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरों की लिखी किताबें पढ़ें। उनका ये कहना है कि हम संसार में आए हैं, हम भी सजीव हैं, जैसे और लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस जगह पे जाते हैं, तो वो प्रेरित कर रहे हैं इस पत्र के माध्यम से, वो अपनी पुत्र को, पुत्री को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों की लिखी किताबें को ही पढ़ें। हमें क्या करना होगा, हमें खुद जाके खोजना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ो, इस संसार को उन्होंने पुस्तक की संज्ञा दी है, मतलब पुस्तक ही माना है इस संसार को। इस संसार तो पुस्तक ही तो है, एक दिन बीतता है हमारा दूसरा दिन आ जाता है, और पुस्तक में भी क्या होता है, ढेर सारे पन्ने होते हैं, हम लोग एक पन्ना पढ़ के ख़त्म करते हैं और एक नया चैप्टर शुरू होता है, तो हमारा जीवन, हमारी जो संसार रूपी जो हमारा जीवन है वो भी ठीक उसी प्रकार है। एक दिन हमारा बीतता है तो दूसरे दिन नए दिन के साथ नई शुरुआत होती है। तो वो बोलते हैं कि असली तरीका यह है कि केवल दूसरों की लिखी किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। वो बोलते हैं पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर, ऐसा नहीं कि पत्थर पे कुछ लिखा है या पहाड़ पे कुछ लिखा, जाओ पढ़ो, मतलब उसको महसूस करो कि ये पत्थर कब के होंगे। एकांत में जाके प्रकृति से वो जोड़ने की बात करते हैं। हमें कुछ जानने के लिए हमें उस जगह पे जाना होगा, गहराई से सोचना होगा, अपना दिमाग चलाना होगा, और हमें हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना होगा क्योंकि हम भी तो प्रकृति के ही भाग हैं। वो बोलते हैं कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। और सही बात है, बोल रहे हैं कि जैसे पुस्तक में हमारा एक पृष्ठ होता है, एक पन्ना होता है, वैसे ही वो बोल रहे हैं कि छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, एक छोटी सी कोई घटना अगर हमें अपने संसार रूपी जीवन में देखने को मिल जाती है तो वो क्या होती है, वो किससे, इसकी तुलना कर रहे हैं एक पुस्तक के पृष्ठ के समान। वो बोल रहे हैं कि जाओ तुम उसको देखो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता होगा। वो प्रकृति से जुड़ने की बात करते हैं इंदिरा गांधी को कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ो, संसार में जितने लोग मिल रहे हैं उनसे मिलो जुलो, शायद तुम्हें कोई घटना के बारे में पता चल जाए। कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। वो बोलते हैं कोई जवान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। जब भी कोई हम लोग भाषा पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसके अक्षर हम लोग सीखते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबें पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, जब तुम कोई छोटा सा गोला, चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। वो पूछ रहे हैं कि जब भी तुम रास्ते में जाती हो, रोड़ा मतलब क्या होता है, चट्टान, रुकावट, रोड़ा मतलब होता है रुकावट,
कि जब भी तुम कोई कार्य करने जाती हो, अगर कोई रुकावट होती है तो क्या तुम उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास नहीं करती हो कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई? ठीक, तो वही वो बोलते हैं कि नहीं, यह कैसे गोला, क्या तुम रोड़ा देखती हो, तुम्हें कुछ नहीं बताता, यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया है और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। किसी चट्टान को अगर हम क्या कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो वो क्या होगा, वो चमकीला और खुरदरा होगा। ठीक, नुकीला नहीं, यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद यहाँ तक हम लोग बच्चों आज खत्म करते हैं। इसके बाद की पत्र हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग इसको दोहराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।